स्थानों के हवाई अड्डों का किया उद्घाटन, 782 परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का किया वर्चुअली शुभारंभ। कोलकाता में ममता बनर्जी ने विशाल रैली से की चुनावी अभियान की शुरुआत, कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। लखनऊ हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन समारोह को संबोधित। कांग्रेस में शामिल हुए हरियाणा से बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिलाई सदस्यता। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते आज की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने वर्चुअली माध्यम से कई स्थानों पर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, आज से 10 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी, जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज प्रधानमंत्री उसी आजमगढ़ में आकर पैसे की बौछार कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से हो रहा है, जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हकीकत बता रही है कि आज उत्तर प्रदेश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। इससे ना सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है बल्कि युवाओं के लिए लाखों नए अवसर बने। आज यूपी की पहचान रिकॉर्ड मात्रा में आ रहे निवेश से हो रही है। आज यूपी की पहचान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से हो रही है। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेसवे के नेटवर्क और हाईवे से हो रही है। यूपी की चर्चा अब बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर हो जाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतजार था वो भी पूरा हो गया है। आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी, जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने का वायदा किया गया था, बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज तृणमूल कांग्रेस की एक विशाल रैली शुरू हुई। इस रैली के साथ ही टीएमसी अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में आयोजित ब्रिगेड जनसभा के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंची। तृणमूल कांग्रेस ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड से 2024 के चुनावी अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी
जनगर्दन सभा नामक इस विशाल रैली में लोगों को संबोधित भी करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हम एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं आज बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल के 42 उम्मीदवारों को सामने लेकर आऊंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एक सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी सपा से अखिलेश यादव से बातचीत कर रही है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं न्यायपालिका का सम्मान करती हूं, लेकिन कुछ जजों ने भाजपा एजेंट के तौर पर काम किया है। एक नतून जिनिस देखते पावे 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র‍্যাম্পে হাঁটব, অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। অপেক্ষা করুন, তার জন্য আমি প্রথমেই বলব একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। 42টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে 42টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র‍্যাম্পে হাঁটব, অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি। অপেক্ষা করুন, তার জন্য আমি প্রথমেই বলব একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आजमगढ़ में आयोजित समारोह के दौरान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल 3 का लोकार्पण वर्चुअली किया। लखनऊ में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लखनऊ के साथ साथ पूरा भारत दिन दुनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में जहां इस देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वहीं आज उनकी संख्या दोगुनी से अधिक होकर 149 तक पहुंच गई है। पहले यह माना जाता था कि एयरपोर्ट या हवाई यात्रा ये सब उच्च वर्ग के लिए ही है। आज आम आदमी तो इसमें चल ही नहीं सकता था। हवाई यात्रा गरीब और अमीर के बीच एक खाई के रूप में काम करती थी। हमने उस खाई को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उड़ान के माध्यम से पाट दिया है। पहले जो गरीब बैंक नहीं जाते थे, हमारी सरकार ने जनधन योजना के माध्यम से उन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया और क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हम इस देश के गरीबों को इस देश के इलिट क्लास के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं समझता हूं कि एक मेजर अचीवमेंट है हमारी गवर्नमेंट का। साथियों, ठीक यही चीज आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी देख सकते हैं। पहले इंटरनेट तक सिर्फ अमीरों की पहुंच रहती थी, किसी गरीब के पास इंटरनेट कनेक्शन हो यह तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ही यह परिणाम है कि आज अमीर और गरीब सबके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। और हवाई यात्रा पर भी यही बात लागू होती थी। हवाई यात्राएं और एयरपोर्ट्स एक्सक्लूजन के मैकेनिज्म हुआ करते थे। ऐसा माना जाता था कि एयरपोर्ट या हवाई यात्रा यह सब एलिट क्लास के लिए ही है, आम आदमी तो इसमें चल ही नहीं सकते। हवाई यात्रा गरीब और अमीर के बीच एक खाई के रूप में काम करती थी। पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने उस खाई को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का नाम आप सभी ने सुना क्या होगा, मैं समझता हूं सभी परिचित होंगे। इस उड़ान के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हरियाणा की राजनीति में सियासी बवाल जारी है और अब हरियाणा के हिसार से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आज भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं का धन्यवाद करता हूं। कुछ राजनीतिक कारण काफी समय से बन रहे थे जिसमें असहजता एक अहम विषय है। इसमें मुख्यतः विचार के मामलों में मेरी सहमति पार्टी यानी भाजपा से नहीं थी, जिस कारण मैंने ये निर्णय लिया है। मैं आज भाजपा से इस्तीफे के कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और
असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो, मैं उन पर असहज था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूँ। इनके लिए, इसके लिए मैं सभी का, सारे मित्र का। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।